हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने सेल इनवॉइस के अंदर अपनी बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं और हमें जो है अलग से अपनी बैंक डिटेल किसी पार्टी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना एक बिल ओपन कर लेता हूँ। बिल ओपन करने के बाद मैं अल्ट पी प्रेस करता हूँ, तो अल्ट पी प्रेस करने के बाद मैं करंट पे एंटर करता हूँ। उसके बाद व्यू इसका मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कहीं भी जो है मेरी बैंक डिटेल मेंशन नहीं है। तो बैंक डिटेल इनवॉइस पे लाने के लिए आपने यहाँ पे एस्केप प्रेस करना है, उसके बाद फिर से एस्केप प्रेस करना है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद शो मोर पे आपने डबल क्लिक करना है और सर्च बॉक्स आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपने सिंपली बैंक लिखना है। यहाँ पे आपको शो बैंक डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन को यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद इसके बाद नीचे की साइड एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बैंक नेम। तो इस पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी बैंक आपने ऐड करे हुए होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बट ये कंपनी नहीं है, यहाँ पे कोई भी बैंक ऐड नहीं है, तो मैं आपको बैंक भी यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। बैंक ऐड करने के लिए हमें बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं क्रिएट पे आता हूँ, उसके बाद लेजर पे आता हूँ। यहाँ पे आपने उस बैंक की डिटेल डाल देनी है जो भी आप अपने इनवॉइस पे दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे पंजाब नेशनल बैंक मेरा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद इसको अंडर लेता हूँ बैंक अकाउंट्स के, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर डाल देना है अपना। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे की साइड IFSC कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें आपने अपना IFSC कोड डाल देना है अपने बैंक का। उसके बाद स्विफ्ट कोड अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद बैंक नेम के अंदर जो है आपने बैंक का नाम डाल देना है, जो भी बैंक का नाम है। यहाँ पे जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, तो यहाँ पे मैं पंजाब नेशनल बैंक डाल देता हूँ। उसके बाद ब्रांच, जहाँ पे भी आपकी ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ पे आपने डाल देनी है। जैसे सडोरा में मेरी इसकी ब्रांच है बैंक की, तो मैं यहाँ पे सडोरा डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, एड्रेस वगैरह अगर आप डालना चाहो बैंक का तो डाल सकते हो, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एंटर प्रेस करके आपने यहाँ से इसको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम सिंपली अपने इनवॉइस पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनवॉइस ओपन कर लिया, उसके बाद अल्ट पी प्रेस करता हूँ, मैं करंट पे आता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंक। बैंक लिखने के बाद आपने नीचे वाले ऑप्शन पे आना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको जो भी आपने बैंक अभी क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपने उस पे आके एंटर प्रेस करना है, उसके बाद कंट्रोल ए से इसको सेव कर देना है। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने प्रीव्यू करना है, उसके बाद जूम करना है। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ कि बैंक डिटेल मेरी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से जो है आप अपने इनवॉइस के अंदर बैंक डिटेल ऐड कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।